नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूयॉर्क में एक 30 साल की लड़की मनदीप कौर घरेलू हिंसा से आहत होकर के परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। ये एक लाइन की खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे कितना दर्द है वो मैं आपको दिखाना। मेरे बच्चे, मैं अपनी बेटी की आमद जाया करती, मैं खोल के गाना किसाइयों को देती, किसाइयों को कहता कर लो हलाल, कर लो हलाल। तो आपने देखा इसमें, इस एक लाइन की जो मैंने आपसे खबर का जिक्र किया उसमें कितना दर्द है। इसके पीछे के जो कारण है वो भी बहुत अपसेट करने वाले हैं। दहेज की मांग, बेटा पैदा ना कर पाना, पति रणजोत सिंह के लिए हर दिन लड़कियों को घर में लेके आना और उनके साथ उसके सामने ही संबंध बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घटना के लिए दोषी कौन है? मनदीप कौर खुद, उसके माता पिता, या फिर ये जो सामाजिक ताना बाना है? ये घटना बहुत गंभीर है और इस पे चर्चा होनी भी उतनी ही जरूरी है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता देहरादून से। सोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। मेरे साथ कुमारी आरती जी जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट है पेशे से और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम मेरे चैनल पे। जी धन्यवाद, थैंक यू। मेरे साथ मोनिका आर्या जी जुड़ चुकी हैं। मोनिका जी पालोना संस्था की मुखिया हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी। शुक्रिया मुनविंदर जी। तो ये जो घटना है इसमें बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं। ये लड़की 30 साल की लड़की है, जैसा कि मैंने बताया घरेलू हिंसा से परेशान थी और भी कई तरह से वो टॉर्चर करता था उसको। क्या है ये सब? मतलब अगर इतनी सारी प्रेशर किसी लड़की पे आ जाए तो क्या उसके सामने यही एक रास्ता बचता है कि वो अपने आप को खत्म कर ले? उसकी दो बेटियां भी हैं। मोनिका जी क्या कहती हैं आप? देखिए, ये जो पूरी घटना है जिसके बारे में अभी आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत दुखद तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये घटना है वो गुस्सा दिलाने वाली। गुस्सा दिलाने वाली इसलिए कि ठीक है, समाज अपनी भूमिका निभाता है और उसको जो सोचना है, जो कहना है, जो दबाव बनाना है वो करता है। पति या ससुराल पक्ष अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं? अभी जो आपने क्लिप दिखाया और जितना मैं समझ पा रही हूँ शायद वो उस युवती के पेरेंट्स का क्लिप था जो आपने अभी यहाँ पर शो किया है। तो एक बच्चे बड़ी बड़ी मेहनत से पाले जाते हैं। हम अब क्योंकि माँ बाप की भूमिका में है तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को पालने के लिए कितनी मेहनत, कितने इमोशंस, और शायद हम लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और जब बच्चों की अपनी जिंदगी जीने का समय होता है तब वो जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि परवरिश की भी चूक हो रही है। पेरेंट्स क्यों नहीं इतना स्ट्रॉन्ग हुए कि वो लड़के वहां से उठ के अपनी बच्चियों को लेकर वो इंडिया आ जाती, अपने पेरेंट्स के साथ रहती। अगर मान लीजिए वो पढ़ी लिखी थी तब तो कोई बात नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। लेकिन अगर मान लीजिए वो उतना पढ़ी लिखी नहीं भी थी तो उसके पेरेंट्स जो आज रो रहे हैं, बेहतर होता कि वो उस समय उसकी जिम्मेदारी उठाते, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लायक बनाते और उसके बाद वो अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए खुद सक्षम निकालते। मैं याद कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ 12 साल हो गए हैं झारखंड में रहते हुए और जिस साल मैं यहाँ आई थी ठीक इसी तरह का एक केस हमारे सामने आया था। मैं उस वक्त दैनिक भास्कर में हुआ करती थी। विदेश से एक लड़की आई थी, सेम डोमेस्टिक वायलेंस का केस था और वो लड़की सीए अच्छी कंपनी में वो काम करती थी, विदेश में भी काम कर रही थी।
उसके बावजूद उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी। पति उसको इवन मायके से ना बात करने देता था ना आने देता था। वो किसी तरह से बहाना बना के ट्रिक्स करके, उसके पास भी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने बच्ची को लिया और वो यहाँ रांची आ गई, रांची आई। और लेकिन इसमें उनके पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी शख्सियत मजबूत तब बनती है जब उसकी परवरिश मजबूत होती है, मजबूत पेरेंट्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हम समाज के डर से चुप रहे और कुछ ना बोले, या ये कहें बच्चियों को कि तुम जहाँ हो वहीं सहते रहे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ और आप घर बार तोड़ कर और निकल ले, मैं ये इसकी सलाह कभी नहीं देती हूँ। एक एक, एक प्रत्याशा सीमा होती है हर व्यक्ति की, जब वो क्रॉस हो जाए, जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, यहाँ तो मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बहुत आगे की चीज है, क्योंकि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ताना देना बच्चियों के होने का या दहेज का मामला वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो हर दिन लड़कियों को लेकर घर आ रहा है, पत्नी के सामने रिलेशन बनाना है, ये तो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज है। शायद वो एक पॉइंट ऐसा था जहाँ उस लड़की को कदम उठा लेना चाहिए था, वापस अपने घर की तरफ लौट आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है साइकोलॉजिकल रीजन भी जरूर रहे होंगे। जब तक हम ऐसी स्टेज में नहीं पहुंचते कि हमारे अंदर सुसाइड करने के थॉट्स आते रहे, तब तक हर व्यक्ति लड़ता है। लेकिन जब वो सुसाइड आने वाले थॉट्स आने लग जाते हैं सुसाइड करने के, तो फिर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और फिर वो बेबस हो जाता है। इस केस में मुझे लगता है कि यही हुआ है। वो लड़की जब तक उसमें थी वो लड़ती रही, लड़के को समझाने का प्रयास करती रही, अपने पेरेंट्स को बना के बिती रही, और फिर जब उसका मन हार गया तो उसने अल्टीमेटली एक कदम उठा लिया। मैं इस तरह के कदम को सपोर्ट नहीं कर सकती पेरेंट्स के बतौर में, मुझे पेरेंट्स की कमी महसूस होती है इसकी। सोना जी, आप कंफर्टेबल हैं? अपना माइक खोलिए आप, शायद से आपका माइक बंद है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सोना जी, आप क्या कहते हैं? मतलब मोनिका जी ने जो बात कही है, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। लड़कियों को स्ट्रांग तो माता पिता ही बनाते हैं, और आप देखो जी। हाँ जी, मैं ये बता बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे हम हर व्यक्ति का अपनी पर्सनालिटी अलग होती है, ग्रोइंग बचपन का असर बहुत होता है हमारे व्यक्तित्व पे कैसे बड़े हुए हैं। लेकिन आज के दौर पे आप देखो कि हर घर में ये, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चे पढ़ते हैं, तो एक सेल्फ एस्टीम वाली बात आती है, आत्मविश्वास वाली बात आती है, कॉन्फिडेंस वाली बात आती है। देखो, ये बात तो बचपन से ही सबको बतानी चाहिए और बच्चों को पता होनी चाहिए कि जीवन से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं। अगर आप सुसाइड करते हो या आपके पास, तो जरूरी नहीं कि ये कोई इम्पल्सिव वो नहीं था केस की एकदम से किया, क्योंकि एक एक इम्पल्सिव सुसाइड भी होती है कि जोश में आके बंदे ने काम कर दिया। लेकिन ये तो बड़ा प्लान्ड है, बड़े दिनों से चल रहा था, तो डिप्रेशन तो था ही इसको बहुत, मतलब इतना सह रही थी, वो सब कुछ चल रहा था इतना घर में, तो डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, स्ट्रेस थी, सब कुछ था उसको साइकोलॉजिकली। और वो, लेकिन उन चीजों से वो जूझ नहीं पाई, उनको वो ओवरकम नहीं कर पाई, उसमें कोपिंग मैकेनिज्म उसकी ठीक नहीं थी, अडेप्टिव नहीं थी, वो मैल अडेप्टिव कोपिंग पे चली गई और उसने ये वाला कदम उठा लिया। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में ये चीज, ईक्यू एक चीज होती है जिसको इमोशनल कोशंट कहते हैं, वो हमारा डेवलप्ड होना चाहिए, हम सबको उस पे काम करना चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, बच्चों पे ईक्यू पे आना चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए हम उसका सामना कर सके और उसको पार कर सके। जीवन देने की तो कोई बात ही नहीं थी, और ऊपर से फिर उसने वीडियो भी बनाया है, फिर वो उसके, आप देखिए तब तक वो कितना मानसिक उथल पथल में चल रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन एक निर्णय लेने की शक्ति, एक डिसीजन मेकिंग पावर तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि मैं कितना सहन करूं कितना सहन ना करूं। तो ये जो नो बोलने की कला है कि कब कितना सहन करना है, अगर आपको पता है कि कहीं पे जाके आपके जान को खतरा है या आपके जान पे आ रही है या आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यू शुड बी, उसको एजर्टिव स्किल्स कहते हैं, एजर्टिव होना चाहिए और नो बोलना चाहिए और वहां से पीछे हटना चाहिए। तो हाँ, जरूर सपोर्ट, घर का सपोर्ट भी चाहिए था और घर का सपोर्ट और पैसे भी चाहिए थे, तो ये चीज, हाँ मैं मानती हूँ कि मतलब ये चीज बच सकती थी अगर इसको एक राय मिलती, अगर ये हेल्प लेती
अब यूएस में बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स होती हैं और बहुत अच्छे वहां पे मतलब इस तरह से केसेस डील, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत कॉमन चीज है वहां पे, तो शी कुड हैव टेकन काउंसलिंग करवाती अपनी कोई अपनी राय लेती लीगल, और अपने आप को बचा सकती थी। जान देना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये बहुत लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस और एक वीक पर्सनालिटी होती है, और इस बारे में हमें चर्चा खूब करनी चाहिए कि अगर किसी किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हर परिस्थिति का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, मदद मांगोगे तभी मिलेगी, और सहन कितना करना है ये हर व्यक्ति का डिसीजन होना चाहिए, और नो बोलने की स्किल आनी चाहिए उसको। मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मैं कल से ही इस पूरे मामले को काफी इसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ, उनके घर वालों से भी मैंने बात की है। और ये जो लड़की है ये बिजनौर के ताहरपुर गांव की रहने वाली है, एक बहुत छोटी जगह है। और इसका जो ससुराल है लड़की का, ये भी बहुत छोटी जगह है, बढ़िया गांव है, वहाँ इनके ससुराल वाले रहते हैं। और उसके बाद अचानक से ही शादी के बाद, इनकी शादी होती है 1 फरवरी 2015 में, उसके बाद ये इनका प्लान बनता है बाहर शिफ्ट होने का, तो वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब जैसा कि मोनिका ने भी कहा और आपने भी ये बात कही है कि सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन हम इसको इस तरीके से अभी नहीं सोच पाए हैं कि वो लड़की मनदीप कौर कितने प्रेशर में होगी। हो सकता है वो बहुत डरी हुई हो, क्योंकि उसके साथ बहुत फिजिकल टॉर्चर हो रहा था। तो इस पे मोनिका जी आप क्या कहते हैं? देखिए, डर वाली जहां तक बात है, और उसका वीडियो भी उसने अपने पेरेंट्स को बना के भेजा है, तो जी ये 2 दिन का गैप रहा है वीडियो बनाकर भेजने में और उसके सुसाइड करने में। तो पहली चीज तो है, जब उसने वीडियो भेज दिया तो क्या उसके बाद फैमिली की तरफ से किसी ने उससे या उसके जो हस्बैंड है उनसे बात करने की कोशिश की? 2 दिन का समय काफी होता है, किसी भी तरह से कांटेक्ट करके लोकल अथॉरिटीज को भी अलर्ट किया जा सकता था। और जी ये भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड से बात करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि तो अभी तक उसके हस्बैंड की अरेस्टिंग नहीं हुई है, जो लास्ट अपडेट है हमारे पास। और जी यूएस जैसे कंट्री में जहां पर एविडेंस है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो साफ साफ जी बता रही है कि ताज्जुब की बात यही है कि वो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक मतलब प्रॉपरली ना हमारे यहाँ से कुछ चीजें आगे बढ़ी है, ना वहां से कोई रिस्पॉन्स हो ना रहा वहां है। से ये अपने आप में बहुत दो दो नेगेटिव हजार चीजें पंद्रह थी से जब जब उसने उसकी देखा शादी ना हुई ये। लास्ट नाइट, मैंने उसकी सिस्टर से जब बात की तो वो उस समय भी लगातार वो वहां पे न्यूयॉर्क में वहां के लोगों से बात कर रही थी, तो मे भी वो लोग वहां टच में हैं, लेकिन उनको कोई वहां से अच्छा रिस्पॉन्स जैसी बात अभी दिखाई नहीं दे रही है। मनविंदर जी हाँ मैं मतलब बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं ये कह रही थी कि 2015 से उसकी शादी हुई है, घर भी आई होगी कई बार, और अब जी तो फ्लाइट से आना जाना इतना आसान हो गया है, और जरूर जी जो आदमी सुसाइडल होता है या जिसको डिप्रेशन होती है या जिसको होता है, वो इंडिकेटर जरूर देता है, तो उसने जी इंडिकेशंस भी पहले दिए होंगे, ऐसी मन बातें करी होंगी, हाँ उसने एक जरूर बार मैंने, अपने ये पेरेंट्स को इम्पल्सिव नहीं है। कंप्लेन हाँ किया, एक बार उसने अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया, देन भी हाँ वीडियो कॉलिंग पे उसको थोड़ा सा समझाया गया, डराया गया, उसके बाद उसने हाथ पैर जोड़े। तो उस लड़की ने भी ये बयान, उसमें जो वायरल वीडियो है उसमें ये बात कही है उसने कि उसके बाद मुझे लगा कि ये शायद सुधर जाएगा, ये मुझे हर बार लगता था कि ये शायद सुधर जाएगा, ये शायद सुधर ये जाएगा, हाँ ये लेकिन मानिंदर जी सुधरा उसका वर्जन है, ये उसका वर्जन है, और जी हम उसका एक मतलब कहते हैं कि एक डेथ डिक्लेरेशन टाइप की चीज होती है, मरने से पहले इंसान सच ही बोलता है, तो जी नेचुरली वो उसकी सोच है जो उसको ये सब लग रही है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी इंडिकेशन ऐसे किसी की फैमिली में आए कि
कि बंदा डिप्रेस्ड है या एंग्जाइटी में है या नेगेटिव है, तो जरूर मेडिकल हेल्प लेने में हिचकिचाना, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसे नहीं कि एक कर लिया उसने, ये बहुत दिनों से चल रहा है उसके दिमाग में। तो मेंटल जी हेल्थ शी शुड हैव उन फैमिली को, इधर या उधर की फैमिली को, इसको जरूर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था, इसको हेल्प देनी चाहिए थी। और ये चीज टल सकती है अगर टाइमली हेल्प हो जाए, अगर लोग जागरूक हों कि ये ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, तो जी ये जी चीजें रुक सकती हैं। बस ये है कि हम लोग स्टिग्मा से डरते हैं, शर्म करते हैं, बेइज्जती से डरते हैं, जी और इन चीजों से हम मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। आज जी आज के जी दौर पे तो काउंसलिंग, बहुत थेरापी से बहुत चीजें हल हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं भी वही बात बोलने जा रही थी कि एक मैं क्लिपिंग हमारे आपको बताइए, उसके मैं बाद भी है। ते मेरी मम्मी डैडी वगैरह उत्थे जाने की इजाजत दी जाए, जो कि जाके उत्थे सारा कुछ कर सकन। हाँ जी बोले। हेलो हाँ, मैं यही बोलने जा रही थी कि ये बात सही है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार रही होती, लेकिन इलाके हमारे में यहाँ कुछ समाज में इसको नहीं, टैबू इस मानते करके हैं, भी साइकाइटिस्ट ज्यादा उन्हें को पिक्चर कंसल्ट पे करने कोई उनकी नहीं भाई लग कुछ रही है, बता रहे हैं कुछ क्या दिक्कत परेशानी एग्जैक्टली आए तो हुआ भी है। तो साड़ियाँ अखाँ गए, लेकिन सानू नहीं पता सी कि लागे वाली धी नू असीं इन्ना दूर कर लांगे कि वो साढ़े तो इन्नी दूर हो जाएगी कि कभी नहीं आ सकती। चलो जी, 2015 च विआह होया, उस तो बाद सास ससुर दियां हल्कियां हल्कियां गल्लां शुरू हो गईयां, जिहड़ियां इन्नियां तकड़ियां नहीं सी कि असीं अपने भैन का घर तों मां प्यो रल के उजाड़ देंगे। असीं चलो समझाया उस गल नूं टालदे रहे, क्योंकि सानूं इह वी पता सी कि इन्हां ने कल अमरीका चले जाना, अमरीका जा के सारा ठीक हो जाएगा। असीं खुश सी कि चलो इत्थों सास ससुर दे। तो इनके भाई पंजाबी में यही बोल रहे हैं कि हमने बहुत बार उनको समझाया, समझाने की कोशिश की, चीजें पहले से ही कुछ कुछ खराब हो रही थी। जी मोनिका जी, जी आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। इनके भाई का ये कहना है कि हम बार बार उनको ये उनके सामने चीजें आ रही थी कि कुछ चीजें खराब है उनके ससुराल में, फिर बार बार समझाया जा रहा था, और कि समझाया लेकिन किसको जा रहा था, उस मतलब अपनी बहन को वो ससुराल समझा रहे थे या उसके हस्बैंड को समझा रहे थे। हस्बैंड को भी समझा रहे थे, उसके सास ससुर को भी समझा रहे थे, क्योंकि एक डिलीवरी उसकी इंडिया में हुई थी एंड एक बच्चे की डिलीवरी उसकी न्यूयॉर्क में हुई है। देखिए जैसे अभी डॉक्टर सोना जी ने कहा कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है या किसी भी तरह का कोई वो किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है तो वो कुछ इंडिकेशंस देता है, फैमिली को जरूरत होती है उस इंडिकेशन उन इंडिकेशंस को पकड़ने की। जी अगर आप वैसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी डिप्रेशन में, मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे और बहुत सीरियस फेज से गुजरी हूँ डिप्रेशन के, और वो मैं ही थी पहली जिसने इस चीज को नोटिस किया कि ये डिप्रेशन है और मुझे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और मैं खुद अकेले ही गई थी। तो अगर जी हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि सोसाइटी या परिवार हमारे ऊपर पागल होने का ठप्पा लगा देगा तो हम शायद उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। मोनिका जरूरी जी, मेरे होता है साथ इंटरेस्टेड एडवोकेट रहना। डॉक्टर ओपी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू जी। जी कैरी ऑन मोनिका जी। जी तो उस समय में उस युवती या किसी भी व्यक्ति को जो ऑलरेडी किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसको समझाने का नहीं, उसको जहां मेडिकेशन की जरूरत है ना वहां मेडिसिन की ही जरूरत है, वही उसको देने की देना चाहिए। तो समझाने के बजाय अगर उन सिग्नल्स को उन्होंने दो लेवल पर, मुझे लगता है कि फैमिली से चूक हुई है, पहली बात कि उनको बहुत स्ट्रॉन्गली उसको सपोर्ट करना चाहिए था कि तुम्हारा अगर वहां नहीं हो पा रहा है तुम इंडिया जाओ, अभी हम लोग हैं यहाँ पर, हम तुमको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, पहली चीज। जी दूसरी बात कि अगर उनको ये फील हो रहा था कि शायद ये या तो वो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही थी या नहीं भी गुजर रही थी, पर माहौल ऐसा था जो असर कर सकता था, तो भी उनको उसको उस तरह से गाइड करना चाहिए था कि तुम साइकाइट्रिस्ट से मिलो या फिर तुम यहाँ आ जाओ हम तुम्हें दिखा देंगे,
कुछ उस तरह की बातें हो रही थी, मतलब किसी भी तरह से मुझे लगता है कि वो उसको मतलब बहुत ही अकेलापन लग रहा था, उसको लग रहा था कि उसकी बात समझने वाला या उसका दर्द उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई भी नहीं है जिससे वो इस चीज को शेयर कर सके। तो जब उसके पास कोई भी वे आउट नहीं बचा तो लास्टली उसने इस ऑप्शन को अपना लिया, मतलब उसने जो सेट किया उसमें भी अगर सिर्फ वो एक बार अपनी बच्चियों के बारे में सोच लेती तो शायद ये नहीं पाती। तो पेरेंट्स हर लिहाज से पेरेंट्स या उसके आसपास के लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मेरे हिसाब से। जी जी मुझे लग रहा है एक्चुअली सुसाइड सुसाइड जो है ना ये एक ऐसा होता है जो उसकी सोच होती है, रिसर्च होती है इस पे बहुत ज्यादा हुई है। तो जैसे एक टनल है, क्या कहते हैं टनल को, वो एक टनल है अंधेरा बिल्कुल, और उसके आगे रोशनी दिखती नहीं है किसी को जीवन में, तो बस वो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, बहुत ही मायूसी, और इट्स डिप्रेशन है, डिप्रेशन का ही ये एक अंजाम है, कॉन्सिक्वेंस है। तो ये तो काउंसलिंग और सोच बदलनी, नजरिया बदलना, और ये तो चलो एक तरफ है, दूसरी बात ये है विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात हम लोग कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज, इसका मतलब ये जो हमें जो सीख ये मिलती है कि हमें बोलना, बच्चों को ये सिखाना है कि बोलें, अपनी बात को रखें, जान से प्यारा कुछ नहीं है, नो बोलें, क्यों मार, अगर ये देखा गया है कि किसी ने अगर आपको एक बार मार दिया और आपने उसको सह लिया तो आपने उसको परमिशन दे दी कि आप दूसरी बार, वो दूसरी बार भी आपको मारेगा, तो वो पहली बार ही नो बोलना होता है, जैसे ड्रग अब्यूज में पहली बार ही नशे को ना बोलना होता है, तो इसी तरह से पहली बार ही अगर अब्यूज हुआ है डोमेस्टिक या मार या कुछ फिजिकल, तो पहली बार ही नो बोलना पड़ता है और निकल जाना पड़ता है वहां से, और दोबारा की नौबत आई तब तो फिर वो तो एक ब्लैक रेड फ्लैग है, तब तो मतलब वो होता ही जाएगा। तो ये सीख होनी चाहिए ना, उसको वॉकआउट कर जाना चाहिए था वहां पे बच्चों को लेके अपने या जो भी था, और जैसे मोनिका जी ने बोला सपोर्ट चाहिए थी, सपोर्ट लोकल लेती, वहां पे बहुत सारे विमेन हेल्प ग्रुप्स है, पुलिस में फायर अपनी लॉन्च करती कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस की, वहां तो बहुत हेल्प है। तो ये नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चों को जो बाहर जा रहे हैं इंडिया से शादी वादी करके, कि लोकल हेल्प लिया करें अगर वहां पे ऐसी कोई बात होती है, और विमेन सेल्स को देखें, और ये सब जागरूकता जरूरी है। आरती जी मैं आपके पास आती हूँ, आपने सारी बातें सुनी है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो हादसा हुआ है ये बच नहीं होना चाहिए था, अब हो गया है, तो अब आगे उसके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एज ए महिला, आप बहुत सारे महिला संगठनों से भी जुड़ी हुई है, तो उस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मेरा यही देखना है कि अगर उसने ये स्टेप उठाया तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। इसके पीछे दो तीन कारण है, पहला तो ये कि उस जिस परिवेश से आई होगी वो चाह रही होगी कि मैं किस तरह से चीजों को मेटलाइज करूं ताकि मेरी परेशानी पेरेंट्स के तक ना जाए, मैं अपनी चीजों को अपने तक ही सॉल्व कर लूं, ये सबसे बड़ा उसका रीजन रहा होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां जब शादी करके निकल जाती हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए, मुझे और बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ना है, तो ये सोच एक लड़कियों के अंदर में रहती है और वो चाहती है कि किसी तरह से मुझे अपने आप को इसी में सेटल करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, और ये सोच को लेकर ही लड़कियां अपने परिवार को बसाती हैं और बेवजह अन्याय को सहती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि उन्होंने बताया कि जो काउंसलिंग का हेल्प ले सकती हैं, साइकेट्रिस्ट से मिल सकती हैं, लेकिन जब घटना घटती है ना और जब पीड़िता पीड़ित होती है तो उस वक्त समझ नहीं आता है कि मुझे काउंसलर जाना है, वो इस कदर से उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो सिर्फ वो और उनके साथ उनका जो टॉर्चर होता है वो रहता है, तो उनके पास सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल ही नहीं रह पाती है। तो इसमें मेरा कहना यही है कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम को बहुत स्ट्रांग होना होगा। तो जैसे बहुत बार होता है कि हमारी महिलाएं अवेयर ही नहीं है कि उनके लिए कानून क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए कितने सारे कानून बनाए गए, तो ये कानून की जानकारी हमारी महिलाओं को होनी चाहिए। अब ये जो गांव से गई है इसे पता नहीं है कि मैं अगर आवाज उठाऊंगी तो मेरे साथ कौन कौन हो सकता है, अगर इसे पता होता तो शायद ही आवाज उठा सकती, इस पे हम लोगों को बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।
हर महिला को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे लिए कितना आसान है हर चीज। फ्री लीगल एड है, सारी चीजें हैं, इतने सारे कानून के प्रावधान हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं। तो ये इसकी जानकारी तो है नहीं। हम लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोगों के अंदर ये होता है कि कोर्ट कचहरी जाएंगे या थाने पुलिस करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सोच अब ऐसा है नहीं बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, अब लोग बहुत अवेयर हो गए, बहुत सपोर्टिव हो गए, तो अब ये सोच सबके अंदर डेवलप करना होगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जब टॉर्चर होती है ना, जो हमारी महिलाएं और जो डोमेस्टिक वायलेंस शिकार होती हैं, तो जब उनके ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है तो उन्हें ये समझाना होगा कि उन्हें आवाज उठने कहा है। और ये अगर उठा लें, 10 लोग उनके साथ हो जाए, तो फिर बात ही खत्म। क्योंकि वो अब्रॉड में है, उसके पेरेंट्स इंडिया में है, उसे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स कहाँ तक सक पाएंगे। कोई गांव में रह रहे हैं, उनकी हो सकती है कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो जिससे कि वो कुछ कर पाए, तो वो सोच रही होगी कि चारों तरफ से हम मैनेज करें और चीजों को ठीक करें अपने स्तर से। नहीं ठीक कर पाई होगी, उसने सुसाइड कर लिया। तो हमें ये भी जागरूकता बढ़ानी होगी कि हमारा जो अधिकार है और बहुत सुलभ है, हमारा कानून बहुत आसान है उनके लिए, वो उनको अगर पता होता ना तो शायद वो अपने पेरेंट्स पर भी निर्भर नहीं होती, वो खुद से सारा चीज कर लेती, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो इसकी जानकारी और इसकी जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ एडवोकेट ओपी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आप हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो आपने एक घटना का जिक्र किया था कि विदेश में अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम यहाँ बैठकर भी न्याय पा सकते हैं, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मनविंदर जी, मैंने आपसे जानकारी चाही थी, हालांकि आपने भेजा है उसका डिटेल में देख नहीं पाया, कुछ बिजी था जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस लड़की की शादी को कितने खास कितना समय बीत गया था, 7 साल ये, आप बता रही थी। इस लड़की की शादी 1 फरवरी 2015 को हुई थी। हाँ तो 7 साल का तो पीरियड खत्म हो गया जी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि एक दहेज डोवरी यानी दहेज हत्या जिसे हम डोवरी डेथ कहते हैं, ये काइट आर्ट को है सेक्शन आईपीसी का 304B, तो 304B का ये प्रावधान है कि कोई भी लड़की अननेचुरल डेथ होती है, आइदर इट इज ए सुसाइड, और उसमें ये भी है कि किसी को एसिड से या किसी केमिकल से या किसी हथियार से या किसी चीज़ से भी हत्या कर दी जाए, या वो अननेचुरल डेथ वर्ड है उसमें, तो अननेचुरल डेथ है क्योंकि आपने शायद बताया था कि उसने सुसाइड किया, तो सुसाइड किया, इट इज ए अननेचुरल डेथ। यदि ये फरवरी से पहले 22 फरवरी 22 से पहले ये डेथ हुई या सुसाइड किया होता तो इस लड़की का जो इसके पति का जो अपराध था वो 304B IPC में आता। और अब क्योंकि ये मैटर फरवरी के बाद सुसाइड का है तो 7 साल पूरे हो गए हैं उसकी शादी को, तो 7 साल के बाद इसका जो मैटर आएगा अपराध की श्रेणी में वो आएगा 306 IPC 306, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, प्रेरित करना या उसको उकसाना कि उसने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए ये 306 का अपराध है। एक मैंने आपको भी बताया था कि विदेश में यदि कोई भारतीय अपराध करता है तो मैं समझता हूँ शायद लड़की और उसका हस्बैंड विदेशी नागरिक तो नहीं होंगे, नागरिक तो शायद नागरिकता यहाँ इंडिया की होगी। उनका एक बच्चा शर्मा जी, विदेश में उनकी एक बेटी हुई है, तो नागरिकता का कुछ सहूलियत उनको मिली होगी जरूर से। अब होगी पे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ भारतीय पे जरूर बोल सकता हूँ कि कोई भी भारतीय नागरिक जी, यदि जी, उसका हस्बैंड इंडियन है जी, बच्चों जी, की नागरिकता की बात नहीं करता, बच्चों की नागरिकता तो वहाँ बाई बर्थ उन्होंने हो सकता है ले ली हो, लेकिन यदि उसका हस्बैंड इंडियन है और उसने यूरोप में या किसी कंट्री में बाहर ये अपराध किया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ क्रुएल्टी, उसने अपनी पति के साथ ये सब अत्याचार करके उसको बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या करे, जी, तो उसके उसके खिलाफ इंडिया में मुकदमा चल सकता है।
उसके, मैं आपको शर्मा जी बता दूं कि उसके माता पिता ने इस पूरे मामले में दहेज और डोमेस्टिक हिंसा को लेकर के मुकदमा कराया है, और अब चूंकि इतना बड़ा उस मतलब उसे सुसाइड किया है, उसको लेकर के भी उन्होंने मुकदमा करवाया है बिजनौर में। तो वो आगे सही है, आगे मतलब क्या होगा? लेकिन सही ये है कि यदि उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया है 306 का, 498 ए दहेज के लिए क्रूअल्टी का, या और भी जो धाराएं उन्होंने बताई होंगी, लीगल एडवाइस ली होगी या नहीं ली होगी, लेकिन जो भी मुकदमा लिखवाया है उसके लिए एक कंडीशन ये आएगी, क्योंकि ये अपराध विदेश में हुआ है, ज्यूरिडिक्शन का सवाल है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी पावर है कि वो यहाँ अनुमति दे सकते यह मुकदमा चलाए जाने की। आपको याद होगा बहुत जी वर्षों पहले जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और जी चंद्रा स्वामी एक बड़े तांत्रिक हुआ करते थे और वो सत्ता के गलियारों से वो जुड़े हुए थे, तो जी जी नक्कू भाई पाठक नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिका में उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया था 420 का, कि साहब इन्होंने यहाँ आए थे और इन लोगों ने मुझे मेरे साथ 420 की और मेरे साथ धोखाधड़ी की, चीट किया। तो वो मुकदमा यहाँ चला था, चंद्रा स्वामी लंबे समय तक उसमें जेल में भी रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक सहूलियत दे दी थी कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि उनको बेल आउट कर दिया गया था, बाहर से बाहरी, और जी वो जी मुकदमा चला था। तो उसमें वो बाद में मुकदमा ख़त्म हुआ जैसा भी रहा, लेकिन उसमें भी भारत सरकार की परमिशन जरूरी होती है। तो इस मामले में भी क्योंकि अपराध देश के बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, इसलिए भारत सरकार को इसमें परमिशन देनी होगी और ये मुकदमा तभी इंडियन कोर्ट में और इंडिया में चल पाएगा। ये मेरी लीगल एडवाइस है इस मामले में। जी जी अभी जी उनके लिखवाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो पुलिस वहाँ जा पाएगी, उसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेन कंट्री में, अब वहाँ की जो एविडेंस है, वहाँ की जो सब चीज़ें हैं, वहाँ की जो फॉरेंसिक साइंस है, मैं अभी सुन रहा था मैडम को, ये कह रही थी कि उसे वहाँ विदेश में जब उसके साथ उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो उसको विदेश में अपनी बात कहना चाहिए थी, और वहाँ की पुलिस को, वहाँ के जो एनजीओ या वुमेन सेल जो भी वहाँ रही होगी और बड़ी इफेक्टिव, बड़ी प्रभावी है विदेशों में ये सब चीज़ें, तो उसको वहाँ करना था। लेकिन अब उसकी क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या उसके हालात रहे, कि जो वो बच्चों का मोह भी हो सकता है, माँ बाप की घर की कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, उसके सामने पता नहीं क्या परिस्थिति रही होगी कि वो सब चीज़ें वहाँ नहीं कर पाई, और यहाँ वो जानते हुए भी कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिया में उससे मदद नहीं मिलेगी, वो सब करती रही इसको और सहती रही। तो इस पे बहस करना तो अब समय की बर्बादी है, अब तो जो हो गया है उसके लिए हम क्या बेहतर से शर्मा बेहतर। जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। अभी फिलहाल चूंकि उस लड़की मनदीप कौर की बॉडी यहाँ पे आने की अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई, अभी फिलहाल उनके जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी है उसकी या तो बॉडी जहाँ आए या फिर उसके माता पिता को वहां जाने की परमिशन दी जाए। तो इस पे आप क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है? एस कानून तो इसमें सीधा है कि बॉडी उनको यहाँ दी जा सकती है, क्योंकि उसके पति ने एक अपराध किया है या उसका पति अपराधी है, तो इसमें भी भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ही हमारी मदद कर पाएगा। कि उस लड़की की, देखा होगा आपने, बहुत सारे केसेस में बॉडी आती भी हैं जी और बॉडी लाई जाती हैं विशेष विमान से और विशेष वाहन के द्वारा, तो इसमें जी बॉडी यहाँ आ सकती है और उसके माँ बाप को सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी मदद कर पाएगी, एम्बेसी आपकी मदद कर पाएगी, और उसके लिए उन्हें उन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा, वरना वहाँ वो और अपना कोई। जो न्याय की बात हम कर रहे हैं, क्या मतलब उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? उसके लिए क्या मतलब, आपने धाराएं तो बताई हैं,
लेकिन उसके परिजन क्या करें, मतलब क्या हो ताकि, मतलब उस वो जो जिस कारण, जो कारण है उसके। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उनके पेरेंट्स को लीगल एडवाइस सीख करनी पड़ेगी, और लीगल एडवाइस के हिसाब से उनको भारत सरकार को अप्रोच करना पड़ेगा। और जो मुकदमे यहाँ लिखवाए हैं उन मुकदमों के मुझे आइडिया नहीं है क्या लिखवाया है उन्होंने, लेकिन जो आप बता रही हैं यदि वो मुकदमे उन्होंने लिखवाए हैं तो उनकी अनुमति भारत सरकार ही देगी कि आप यहाँ मुकदमा चला सकते हैं उस लड़के के खिलाफ। और कोई भी वहाँ कोई लगता है उन्हें कि कोई और भी इन्वॉल्व है तो वो भी उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन इसमें वही है कि बड़ी पैरोकारी जिसे हम लोग बोलते हैं, पैरोकारी, हिम्मत, हौसला और सरकार से संपर्क, अपने पॉलिटिकल पावर जो उनकी लोकल पावर है वहाँ, उनका जो एमपी है उसकी मदद लें और उस सरकार में संपर्क करके इस मामले को वो चला सकते हैं, चलाते हैं। और और बॉडी भी उनको वो ला सकती है सरकार, पूरी वैसी प्रॉब्लम मतलब लीगल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वहाँ की सरकार ने या वहाँ की पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है और वहाँ कोई कार्रवाई चल रही है तो उसकी जानकारी भी वो हमारी भारत सरकार ही और एम्बेसी दे पाएगी, क्योंकि डायरेक्ट तो अभी हमारे तक के पास। जो अपडेट्स हैं उसमें अभी तक उस उसके पति पे कानून का कोई शिकंजा नहीं कसा है। तो और किसके खिलाफ किया है फिर? और उसका विदेश में उसने आत्महत्या की है तो उसके लिए तो सीधा सीधा उसका पति जिम्मेदार है, जी और तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपका जी कहना यह है कि उसका पति ही उसके खिलाफ ये सब कार्रवाई जी मार जी जी और ये सब कर रहा था। और उसने जी अपनी बहन को जानकारी भी दी वीडियो कॉल जी करके, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। जी तो उस वक्त वो मैं समझता हूँ कि बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया था। उस वक्त क्या आप मुझे मुझे लग रहा है मोनिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोनिका नहीं, मैं जी, सुन रही हूँ, प्लीज कैरी ऑन। ओके जी मैं श्रीमानी, कुछ कह सकती हूँ मनिंदर जी, फिर मैं चल श्योर जाना श्योर था। जी, कहिए आप, कहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इस पूरी चीज से सीख ये लेनी चाहिए कि बाहर का जो चकाचौंध है उससे बच के रहें लोग, और पूरी जान छानबीन करके ही अपने बच्चों को बाहर भेजें। और जिन बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पर भी हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको ये जरूर सिखाना है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई भी अन्याय होता है, जैसे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बुलिंग होती है, पीयर प्रेशर है, कई तरह के यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो जब भी ऐसा अन्याय कहीं पे अपने पे सहना नहीं है, और जब भी कोई चीज ऐसी हो तो इतना ये एम्पावरमेंट बच्चों को देनी है कि अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि जीवन से प्यारी कोई चीज नहीं है। अब उधर भी वो जो लड़की है मनदीप, उसके भी दो बच्चे हैं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उन बच्चों पे भी इसका नेगेटिव असर बहुत ज्यादा पड़ा होगा, पड़ा है। जी और ये देखा गया है कि जिसके घर में ऐसा होता है उसके घर में ये चीजें रिपीट भी हो सकती हैं, तो उनकी परवरिश में भी बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको बड़ी अच्छी देख रेख में, बहुत अच्छे एम्पथी, प्यार और कंपैशन जहां पे है उस माहौल में उनको बड़ा करना चाहिए, ताकि ये चीज रिपीट ना हो। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने सोना जी, और मोनिका जी आपने भी बहुत अच्छी बातें कही हैं, और हमारे साथ जुड़ गए थे एडवोकेट डॉक्टर ओपी शर्मा जी भी, कानूनी पहलू उन्होंने बहुत अच्छा से बताया। आरती जी का शायद हमसे संपर्क टूट गया है, उनका भी मैं शुक्रिया करती हूँ। हम सब लोग फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। आप सभी लोगों का जय मेरे दर्शकों की ओर से भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक थैंक यू, नमस्कार।